यह घटना 4 साल पहले 2015 के दिसंबर में हुई थी। मेरा और मेरे दोस्त का एक छोटा सा बिजनेस था जिसमें हम सोशल मीडिया के लिए फोटो और कंटेंट लिखा करते थे। हमारे पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था। हम अक्सर रोड ट्रिप पर निकल जाते थे, कभी पिकनिक पर जाते थे, कभी स्कीइंग पर चले जाते थे। इस बार हमारा कुछ दिन पहले ही काम खत्म हो गया और हमारे पास बीच में थोड़ा सा समय बच गया जिसमें हमने बाहर का ट्रिप प्लान कर लिया, इसलिए हमने एक रोड ट्रिप प्लान किया। मैं अपने दोस्तों का नाम बता दूं, मेरे दोस्त के नाम थे स्टीवन, केविन, ब्रिटनी, जोश और कैरी। ब्रिटनी और कैरी अपने स्पोर्ट्स कार में आ रहे थे, मैं और स्टीवन अपने बाइक से जा रहे थे, केविन और जोश हमारे बड़े से वैन में आ रहे थे। वैसे तो वैन जोश ही ड्राइव कर लेता, पर जोश को अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम था इसलिए केविन उसके साथ ड्राइव कर रहा था। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और हमने वहां खूब एंजॉय किया। उन कुछ दिनों के ट्रिप में हमें बहुत मजा आया। ये हमारे बाकी ट्रिप की तरह ही नॉर्मल था। ट्रिप के आखिरी दिन जब हम अपने घर लौट रहे थे तब रास्ते में हम सबको भूख लग रही थी और हमने रास्ते में रुक कर कुछ खाने का डिसाइड किया। तभी हमें एक पेट्रोल पंप दिखा और वहाँ फूड कोर्ट भी था। हम उस पेट्रोल पंप पर रुके, हमने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क की और फूड मार्ट में कुछ हम खाना खाने के लिए करीबन 4-5 मिनट के लिए ही गए होंगे, इसलिए हमने अपनी गाड़ियों को लॉक नहीं किया था। हम जैसे ही खाने पीने का सामान लेकर बाहर आए हम शॉक्ड रह गए। जोश का वैन वहां से गायब था। उसके बगल में खड़ी कैरी की कार पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ था। वो एक ऑटोमेटिक पेट्रोल पंप था इसलिए वहां पर कोई एम्प्लॉय नहीं था। हमने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और उन्हें बुला लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और पुलिस को आने में करीबन 15 मिनट लग गए थे। तब तक हमने आसपास के एरिया में जोश के वैन को ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमने पुलिस को बताया कि जोश का वैन वहां से गायब है और साथ ही हमने ये भी बताया कि उस वैन में केविन का लैपटॉप था, लेकिन केविन अपने लैपटॉप में कभी पासवर्ड नहीं लगा कर रखता था और ये हमारे लिए सबसे टेंशन की बात थी। पुलिस ने आसपास के सारे एरिया को छान मारा लेकिन उन्हें वैन कहीं नहीं मिली। बाद में पुलिस ने हमसे कहा कि हम अपने घर जाएं, पुलिस को जैसे ही कोई खबर मिलेगी वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद केविन और जोश लड़कियों के साथ उनके कार में गए और स्टीवन बाइक से उनका पीछा करने लगा। उस घटना के 2 हफ्ते बाद मुझे जोश का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि पुलिस ने मुझसे कांटेक्ट किया है और उन्हें वैन मिल गई है। हम सब उस जगह पर गए जहां पुलिस को वो वैन मिली थी। वो वैन एक हाईवे के किनारे पर खाई में गिरी हुई थी। वो जगह पेट्रोल पंप से आधे घंटे की दूरी पर थी जहां से वो वैन चोरी हुई थी। जब पुलिस ने वो वैन खाई से बाहर निकाली और हमने उस वैन के अंदर झांक कर देखा तो वहां हमारा कोई भी सामान नहीं था, ना ही लैपटॉप, ना ही वैन में रखी बाकी चीजें। उस वैन में जो सबसे डरावनी चीज थी वो ये थी कि ड्राइविंग सीट पर और पैसेंजर सीट पर पूरी तरह से लाल रंग लगा हुआ था जैसे कि कोई खून हो, और डैशबोर्ड पूरी तरीके से टूटा हुआ था। हम बहुत ज्यादा डर चुके थे लेकिन हमें कभी यह पता नहीं चल सका कि उस वैन में क्या हुआ था और उस वैन को किसने चुराया था।